तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रदेश का पहला सैराट पार्क अब आकार लेने लगा है। अरावली पर्वतमाला की गोद और रेतीले धोरों के बीच बन रहे नेशनल सैंड आर्ट पार्क का विधिवत उद्घाटन 8 अगस्त को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ करेंगे। मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने रेत कला को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर में प्रदेश का पहला सैंड आर्ट पार्क बनाने की घोषणा की। इस संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण ने सावित्री पहाड़ी की तलहटी में स्थान चिन्हित कर जमीन भी आवंटित की है। रावत ने बताया कि 8 अगस्त को शाम 4 बजे आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए उनकी टीम द्वारा करीब 1 बीघा भूमि पर 2 विशाल व 5 छोटी बड़ी सहित कुल 7 बालू रेत की कलाकृतियां बनाई जा रही है। बारिश के मौसम को देखते हुए इनमें से कुछ कलाकृतियां वाटरप्रूफ भी बनाई जा रही है ताकि बारिश होने पर भी यह कलाकृतियां सुरक्षित रहे। रावत ने बताया कि मुख्य कलाकृतियों में पुष्कर के अरावली पहाड़, मोर सहित यहाँ की प्रकृति को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा हॉलीवुड मूवी किंग कॉन्ग के सीन का स्ट्रक्चर तथा राजस्थानी नृत्य करती काल बेलिया युवती के श्रृंगार सहित नृत्य मुद्राएं दर्शाई जाएगी। बताया गया कि प्रति 7 दिन के बाद सभी कलाकृतियों का परिवर्तन किया जाएगा तथा आम जन यहाँ पर निशुल्क प्रवेश कर कलाकृतियों को देख सकेंगे। इतना ही नहीं, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रावत को सम्मानित भी किया है। साथ ही दुबई में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और पुरी में आयोजित हुए सैंड आर्ट फेस्टिवल में प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं। सैंड आर्ट म्यूजियम का काम, जो सैंड आर्ट पार्क का काम चालू है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पुष्कर के रेतीले धरों में, जो कि हमारा बहुत पुराना सपना था, लंबे समय से हम चाह रहे थे कि पुष्कर में एक जगह ऐसी हो जो सैंड आर्ट वहाँ परमानेंट पर्यटकों के लिए रहे, देखने के लिए रहे, तो उसके लिए राज्य सरकार ने यहाँ जगह रिजर्व करके ADA के थ्रू हमें हैंडओवर की है, NOC दी है। तो उसी जगह पे हम एक सैंड आर्ट पार्क का काम कर रहे हैं जहाँ बड़ी बड़ी रेत की कलाकृतियाँ बना रहे हैं और ये बालू रेत की कलाकृतियाँ कुछ वाटरप्रूफ टेंट्स के अंदर बनाई जा रही है ताकि बारिश से खराब नहीं हो और पर्यटक जब यहाँ आए तो उनको निराशा हाथ नहीं लगे, ताकि हर समय कुछ न कुछ कलाकृतियाँ यहाँ मिले। कब से शुरू होने वाला है और क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी? अभी हम पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ लगे हुए हैं, सैंड आर्ट बना रहे हैं और इसका विधिवत जो ओपनिंग है पब्लिक के लिए वो 8 अगस्त शाम 4 बजे इसका ओपनिंग रखा है। इनॉग्रेशन हमारे जो RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं उनके द्वारा किया जाएगा।